श्रीमान भानुभा शर्मा जी की याद आती है, गुना शिवपुरी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय केपी यादव जी, भाई मनोज जी यहां उपस्थित, मेरे सभी बहनों भाइयों प्रशासन के मित्रों, अब कोई न छूटे इस संकल्प के साथ आज वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ है। अब तक कल की स्थिति तक 6,11,23,864 डोज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। पहला डोज 4,70,86,192 को और दूसरा जो डोज अभी 1,40,37,672 भाई बहनों को लगा है। अब तक 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है, ऐसी जनसंख्या के विरुद्ध 86% प्रथम डोज लग चुका है, 86% भाई बहनों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश आज पहले डोज के टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को, जनप्रतिनिधि साथियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को और वैक्सीनेशन के काम में लगी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, जो दिन और रात जुटे हुए जनता को बचाने के अभियान में, मैं उनको बधाई देता हूं। पहाड़ों पर जाना हो, खेतों में जाकर वैक्सीन लगाना हो, कई बार पैदल चल के भी जाना पड़ा तो जाना हो, लेकिन हमारे वैक्सीन लगाने वाले भाई बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके सबके सहयोग आज मध्यप्रदेश इस स्थान पर पहुंचा है। 86% हमारा हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनको ढूंढने में अब कठिनाई हो रही, क्योंकि जितने उपस्थित होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के भी लगाने की कोशिश की गई, ढूंढ ढूंढ के लगाने की कोशिश की गई। वैक्सीन लगाने की जितनी इच्छा थी उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। मैं आज विशेष रूप से भोपाल के जनप्रतिनिधियों को, नागरिकों को, जिला प्रशासन को और वैक्सीन के काम में जुटे सभी साथियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी बधाई देना चाहता हूं। भोपाल में सबको पहला डोज लगा दिया गया। सबका मतलब जो उपलब्ध है, अगर कोई भूला भटका उस दिन नहीं है, बाहर चला गया कहीं, या कई लोग हमारे ऐसे रहते जो बाहर काम करने जाते, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए चले गए या कहीं और बेहतर काम के लिए चले गए, मैं वैसी जनसंख्या की बात नहीं करता। अगर वैसे जो यहां नहीं है कोई छूटे होंगे तो उनके लिए वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा, लेकिन जो उपलब्ध थे उसमें से 100% को ये वैक्सीन लगाई गई है। बाकी भी मैंने कहा कि कोई मामला अगर अपवाद स्वरूप आता है तो लगाने का काम हमारा लगातार जारी रहेगा, लेकिन सेकेंड डोज अभी बाकी है। अभी तो हमारा लक्ष्य 30 सितंबर तक पहला डोज मध्य प्रदेश के सभी नागरिक बहनों और भाइयों को लगा देना। अब उस काम में पूरी गंभीरता से जुटे हुए हैं। सेकेंड डोज लगाने का काम भी तेजी से शुरू किया है, क्योंकि सेकेंड डोज हम दिसंबर के अंत तक लगा के अपनी जनता की जिंदगी को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। आप तो जाना हो
बिना वैक्सीन के रह जाते और जिंदगी असुरक्षित रह जाती, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद तो वो जिंदगी का ये डोज पर भी और जरूरत पड़ी तो घर पर भी जाकर, अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग इतना है कि नहीं आ सकता तो उसको वैक्सीन लगा दे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरी सभी धर्म गुरुओं से अपील है, समाज सेवियों जाकर अगर कोई दिव्यांग या बुजुर्ग इतना है कि नहीं आ सकता तो उसको वैक्सीन लगा दे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरी सभी धर्म गुरुओं से अपील है, समाज सेवियों से अपील है, भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपील है, मेरे नागरिक बहनों और भाइयों से अपील है कि देखो ये केवल मेरी नहीं हम सबकी जवाबदारी है कि वैक्सीनेशन के महायज्ञ को हम पूरी तरह से सफल बनाए और आपके घर में और मध्य प्रदेश सबकी जिंदगी सुरक्षित करना है।